जाम तो निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री के नाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस मौके मौजूद सी। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली तो गुरुग्राम जाने वाले जाम तो निजात देने के लिए तैयार किया गया हरियाणा सैक्शन का उद्घाटन जिहड़ा है प्रधानमंत्री ने किया। ये तस्वीर असं दिखा रहे हैं थोनों इस वे द्वारका एक्सप्रेस वे जिसका जायजा भी लिया प्रधानमंत्री ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्होंने मौजूद सी। खुद प्रधानमंत्री ने पूरी डिटेल जी हैगी है इसकी जानी कि किस तरीके लोगों राहत किस तरीके मिलने वाली है, जिहड़ा डिजाइन तैयार किया गया है, लोग कितों आएंगे, किहड़े एरिए तक वो पहुंचेंगे, कित्थे तक वो पहुंचेंगे। तस्वीर ये सामने आई ने द्वारका एक्सप्रेस वे तो। दसीए कि दिल्ली तो गुरुग्राम जाने वाले लोगों के लिए अपने आप में एक वड्डा चैलेंज होंदा है। तो इससे सीधी जो सहूलियत है वो आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो ना हो, इन तमाम चीजों का प्रधानमंत्री जरूर ध्यान रखते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, ये जो देखिए पूरा ये 19 किलोमीटर का जो ये प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ये पूरे प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। उन्होंने जो है सड़क पे अभी इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया और इनकी बारीकियों को समझा कि तरीके से ये बना है, इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा, क्या फायदा होगा, इसको और कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अब जो है प्रधानमंत्री इसका जो मॉडल है उसको देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री की जो देखिए सबसे लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि उनकी दूरदर्शिता, अब वो इससे और कैसे और जगहों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, तो वो देखते जरूर है, सारी बातों को समझते हैं, बारीकियों से समझते हैं। और आप समझिए कि सभी मंत्रालय, जितने मंत्रालय है, सभी के जो अधिकारी है, सभी के जो मंत्री, उनके साथ प्रधानमंत्री का लगभग जो है इंटरेक्शन होता है, वो सारी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जो रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने शुरुआत किया तो क्या हुआ, जिस भी प्रोजेक्ट की शुरुआत देश भर में चल रही है, जिस भी बड़े प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट, सभी का प्रधानमंत्री निगरानी करते हैं। आपने देखा होगा चाहे बड़े बड़े जो आपके प्रोजेक्ट है या फिर इसके अलावा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उनको लेकर के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे लैके पूरी जानकारी, एक एक चीज कितने तक राह जाएगा, किस तरीके लोगों की सहूलत जी हैगी है, किस तरीके इस लोगों सहूलत मिलन वाली है, किस तरीके परेशानियों तो निजात मिलन वाली है, क्योंकि दिल्ली NCR के दिल्ली के नाल गुरुग्राम लगता और गुरुग्राम तक पहुँचण के लिए लोगों कई बार बहुत लंबा एक राह हैगा। दिल्ली के धौला कुआं तो होंदे हुए गुरुग्राम तक जो लोग पहुँचते हैं उत्थे जाम के लोगों को दिक्कत आती सी, कई बार ट्रैफिक जाम करके कई मुश्किलों का सामना लोगों को करना पैंदा सी, ते हुण उस जाम तो राहत मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेस वे दे राही लोग सीधे गुरुग्राम पहुँच सकणगे और इस सहूलत एक तरीके लोगों के लिए। और कुछ ही देर दे विच महानुभावों का भी स्वागत, प्रधानमंत्री संबोधन करणगे। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी, मंचासीन केंद्रीय मंत्रीगण, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत, और स्वागत करते हैं दिल्ली NCR तथा गुरुग्राम वासियों का भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, देश में विकास की अनुपम परिकल्पना के साथ एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का ये अभियान आज
1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के माध्यम से विकास की नई तस्वीर उकेरने जा रहा है। देवी और सज्जनों, और अब मैं हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से सादर अनुरोध करूंगी कि कृपया शॉल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। सो कुछ देर दे विच प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे थे। प्रधानमंत्री मंच से पहुंचे हुए ने हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें स्वागत करते हुए लोगों को संबोधन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे हरियाणा के हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है। गुरुग्राम ते दिल्ली के विचाले द्वारका एक्सप्रेस वे जिस तो लोगों को राहत मिलेगी और रैली को बकायदा संबोधन करेंगे। लोगों का जो समागम है समागम को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री हुण तो कुछ देर के बाद।